अधिवेशन 3.0 बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का। जरा सोचिए हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाक्रम हमारे आसपास होता है उसका हमारी सोच पर, हमारी समझ पर, हर चीज पर असर होता है। तो फिर इतने बड़े ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसका हम पर असर क्यों नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि 17 तारीख को जब शनि 30 साल के बाद फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो हम चर्चा कर रहे हैं कि बड़े बड़े देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग पर क्या असर पड़ने वाला है, उनकी रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन यही हम नहीं रुकेंगे, आपका भी नफा नुकसान अभी आगे ज्योतिषाचार्य बताएंगे। और यही वजह कि आज शनि वार अधिवेशन 3.0 के जरिए सबसे बड़ा मंच, सबसे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है। पहला पड़ाव यहाँ पर जिसका हिस्सा हम सभी बने। हो सकता है कि आपस में कुछ असहमति, क्योंकि किसी ने कहा कि युद्ध जो है लंबा खिंचेगा, किसी ने कहा कि मिड में जो है वो खत्म हो सकता है, पुतिन के आगे के भविष्य को लेकर क्या कुछ आप में कोई असहमति। राखी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो है अपनी दोस्त श्रुति की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। पैनल पे जितने बैठे सब मेरे आदरणीय हैं, लेकिन सबका ज्योतिष देखने का तरीका और सोच अलग होती है। मैं पुतिन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी। कहते हैं जान है तो जहान है, इज इट? आप युद्ध जीत भी गए, मुझे पुतिन जी की जो हालत है, सेहत है, वो अच्छी नहीं दिख रही, और मुझे उनकी जान का खतरा भी आज रात को शनि के राशि परिवर्तन के बाद दिखाई देता है और काफी स्ट्रांग वाला दिखाई देता है। ये मेरा खुद का जो है गणना है, ये गणना औरों से अलग हो सकती है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, जीत गए, युद्ध रुक जाएगा, युद्ध की स्थितियां हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो हालत सेहत को लेकर है उससे जुड़ी हुई हमें कोई बैड न्यूज जरूर मिलेगी। रावत जी आपका क्या कहना है इसमें? आपने श्रुति जी को भी सुना, राखी जी को भी सुना, आपका ज्योतिष विज्ञान गणित क्या कहता है? देखिए पुतिन जी की जो कुंडली है अगर ज्योतिष के आईने में देखें तो बहुत पावरफुल है। नॉर्मल इंसान से कहां वो पहुंचे, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर जो मालव नाम का महापुरुष राज योग है वो बहुत पावरफुल है। दूसरा बारम भाव के अंदर उनका सूर्य और बुद्ध का बुद्धादित्य राजयोग और एक विमल नाम का राजयोग है। इन राजयोगों के कारण उस व्यक्ति ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ। दूसरा उनके शुक्र और गुरु का सम सप्तक योग है जो आदमी को बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंसी देता है। और अब तो उनकी जो दशा है वो दशा बुद्ध की शुरू हो गई है और बुद्ध उनका स्वराशि का उच्च अवस्था में बैठा हुआ है। और गोचर के अंदर अगर स्थिति देखी जाए तो शनि का पंचम भाव के अंदर उनका भ्रमण करना उनकी बुद्धि को और क्रूर बनाएगा, क्योंकि शनि के अंदर कहीं ना कहीं पापत्व तो होता है, रिजिडनेस होती है, दबंगपन भी उसके अंदर होता है जब वो अपनी स्वराशि के अंदर आता है। तो पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि के ऊपर स्वराशि के अंदर शनि का आना यानी जिद्दी बना देगा पुतिन साहब को, और उसकी जो दृष्टि है वो वाणी स्थान पर है तो जो आक्रामक तरीके से वो बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी पुतिन साहब हार मानने वाले नहीं है। रही स्वास्थ्य की बात, अभी उनका जो बृहस्पति है उनकी राशि से छठे भाव के अंदर भ्रमण कर रहा है और वो 22 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा। जो वहां था बाई बर्थ वहीं पे आ जाएगा और जो शुभ ग्रह जहां होता है वहीं पे आता है, तो बहुत अच्छा फल करने की कोशिश करेगा।